इंसान मरता है तब कैसा महसूस करता है, उसका शरीर कैसा महसूस करता है, उसकी आत्मा कैसा महसूस करती है, वो अगर आपसे जानना चाहें तो वो बता पाओगे प्लीज़? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई हमारे शरीर में से कुछ खींच रहा है और सन्नाटा सा होता है। सन्नाटा होता है। अच्छा, ऊपर जब आप गए किसी भगवान के भी दर्शन आपको हुए? सीढ़ी चढ़ा है, दो सीढ़ी चढ़े वहाँ तक पैर दिख रहे, उसके बाद में दिखा ही नहीं। सीढ़ी चढ़ रहे थे? सीढ़ी चढ़ रहे थे। अच्छा, गए हैं तब? हाँ गए, जब कुंडी खोल के भी नहीं गए, ऊपर करी गए। अच्छा, और दो सीढ़ी चढ़ के और गए। ये दिन की घटना है जी, दिन की बातें बता रहे हो? सुबह चार बजे। हाँ, एकदम मेरी आँखों की रोशनी चली गई। अच्छा, रोशनी चली गई तो मैं बोली बिजली चली गई। अच्छा, अंधेरों है गो तो मैं इनकी लाइन न जगाऊं मैं। हाँ। और वो करूँगी तो मैं उठ के चली हूँ तो मेरे को चक्कर से आई। चक्कर से आए तो मुझे दिखना बंद होगा, बर्तन वर्तन बाजे थे इधर उधर से, बच्चे उठाए तो चार आदमी आए और वे कह रहे हैं हाँ चलो आप चलो हमारे साथ। हम कह रहे चल रहे हैं, किसी के सिर पर सींग है, किसी के दांत बड़े हैं, किसी का रंग काला है, अजीब अजीब से वे लोग हैं। चल दी तो वहाँ रथ खड़ा था, वो रथ में बैठा दी। रथ कहाँ खड़ा था? यहाँ खड़ा था हमारे घेर में ही, यहीं। अच्छा, यहीं दिख रहा था? हाँ यहीं दिख रहा मेरे को। पश्चिम नाम विमला, तो वो दूसरी विमला थी। अच्छा, वहाँ वो काफी बूढ़ी थी और वो थी, वो बोली मेरे से बोला के ऐसा करो तुम इसे जल्दी ले जाओ और इसकी हवेली खराब हो जाएगी और जल्दी जाओ। हवेली मतलब जी? मतलब हवेली ये हमारी हवेली खत्म हो जाएगा। हाँ, शरीर का इसको संस्कार ना कर दे कोई। हाँ, संस्कार ना कर दे कोई। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको पुनर्जन्म की घटना और जो लोग मरकर दोबारा जिंदा होते हैं वो घटनाएं आपको दिखाते हैं। और आज मैं मौजूद हूं, यूपी बॉर्डर से लगते हरियाणा का पलवल ज़िला है और पलवल ज़िले में होडल में अभी मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो ताई जी हैं, इनका कॉल आया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ भी काफ़ी साल पहले ये घटना हुई थी और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जो इनका रियल एक्सपीरियंस है उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा ताई जी, आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है आपका? बिमला नाम है मेरा। बिमला नाम है? हाँ। तो अभी आपकी उम्र वैसे कितनी है? उम्र तो ऐसी होगी अब तो 60-70 साल की हुई है। 60-70 लगभग होगी इतनी। ठीक है। अच्छा, जो ये घटना बताई आपने जो नियर डेथ यानी कि मरकर दोबारा जिंदा होने वाली, ये कितने दिन पहले की घटना है? ये 30 साल पहले की घटना है। 30 साल पहले की घटना है। तो कैसे क्या कुछ हुआ एक बार शुरुआत से बताएंगे प्लीज आप? तो अगन का महीना था और मैंने उठी, मैं उठ के न्यार गिरा डांगरा के, न्यार गिर के मैंने वो कराया बैठ गई। हाँ। मैंने के बैठ गई कुंदी उंदी लगा के, मैंने कि अभी तो बहुत अंधेरा है। हाँ। बैठ गई तो महाराज जी आए, डांडी लटक रही है इतनी सफ़ेद और सफ़ेद कपड़े पहन रखे, बैंत हाथ में, खड़ाऊँ पैर रखे और हमारे चौक के अंदर डोल रहा है। अच्छा, आप भैंसों के पास गए तब वो उधर घूम रहे थे? नहीं, तो बाद में आए। हाँ, कुंदी लगा के बैठ गई उधर। अच्छा, फिर वो कह रहा है बेटा तुझे आना है, हमारी बात सुनो, तुझे आना है हमारे पास। मैं ये कह रही हूँ उनसे, बाबा अभी तो मैंने कुछ ना देखा, कहाँ बुला रहे हो? ये कह ऊपर ही आना है, जहाँ से आप आए हो वहीं से आना है। अच्छा, माने कि मैंने कही कि बाबा देखो ऐसी बात है, मेरे तो दो बच्चे कुंवारे हैं, दो बच्चे इनका ब्याह हुआ, उन पे भी लड़की हैं, कोई लड़का भी नहीं हुआ। तो कही ये तो डूब के जरवा हैं, चलते रहते हैं, इन्होंने तो तुम धूप के जरवा समझ गए और अपने चुपचाप वहाँ 4 बजे आ जाना। मैंने किया अच्छा। मैंने आ कर के वे अपने आदमी जगाए, अरे भाई देखो हम तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं महाराज जी आए हैं। तो मैंने उठी हूँ तो मिनकी ने जो नहीं नहीं बेटा मेरे पे टाइम नहीं है, मैं आरती करूँगा जा कर के ऊपर।
उसके बाद में एक सीढ़ी चढ़ा है, दो सीढ़ी चढ़े है, वहाँ तक पैर दिख रहे है, उसके बाद में दिखा ही नहीं। सीढ़ी चढ़ रहे थे वो? सीढ़ी चढ़ रहे थे। अच्छा, गए हैं तब? हाँ गए, जब कुंडी खोल के भी नहीं गए, ऊपर करी गई। अच्छा, और दो सीढ़ी चढ़ के और गायब। ये दिन की घटना है जी, दिन की बातें बता रहे हो? सुबह 4 बजे की। सुबह 4 बजे? हाँ सुबह 4 बजे। तो ये कह के मैं यहाँ आई हूँ इन्होंने जगाने, तो इन्होंने कही है कि नहीं सो रही होगी, सपना देख रहे होगा। मैं सपना नहीं दिख रहा, मैं जगी हुई हूँ और मुझे ऐसे ऐसे बुला के गया है। वहाँ ने कही अच्छा, तो वो चिंता सी में पड़ गए। उनने सोचा कि ले चल थोड़ा घना दान पुण्य तो कर लेते हैं, कुछ भी ना देखो। वैसे कह रहे थे कि भी आप दान पुण्य कर लो और कुछ ज्यादा। हाँ कुछ देखा ही नहीं है, कुछ दान पुण्य तो कर लो। हाँ, हाँ। तो एक साल का वादा धरगा, तो वहाँ में दान पुण्य मैंने बहुत किया। अच्छा, एक साल तक खूब दान पुण्य किया? हाँ एक साल तक खूब दान पुण्य किया, सब चीज का। और किसी ने मेरा हाथ नहीं रोका, सब हंस हंस के दे में। और सब ते मैं हंस हंस के ये कह रही हूँ, हम तो ऊपर जाएंगे और जा चलो हमारे गैल चलो। अच्छा, मैं उन्होंने तो कह रही हूँ, तो वो तेरी दुनिया दुखी है, तो ये कहती है अगर हमें न्यू रखे, हमें न्यू रखे। मैंने कि रो मत, मेरे साथ चलियो। आप जो आपके जो साथ जो महिलाएं थी आपकी, जो आपके पास बैठती उनको ये बातें बता रहे हो? हाँ ये बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो वे ने मैंने कि रोना नहीं, अब हमारे साथ चलना। हाँ। मैं भी चल रही हूँ, वहीं चलो तुम भी। अच्छा, तो मैं फिर इसके बाद में वो हुआ, एक साल हो गया। एक साल हो गया तो मैं फिर वही 11 आई, उसी 11 के और सुबह फिर पशु निकाल के और बैठी मैं, और एकदम मेरी आँखों की रोशनी चली गई। अच्छा, रोशनी चली गई तो मैं बोली बिजली चली गई। अच्छा, अंधेरों है गो। तो मैंने कि लाइन न जगाऊँ मैं और वो करूँगी। तो मैं उठ के चली हूँ तो मेरे को चक्कर से आए, चक्कर से आए तो मुझे दिखना बंद होगा, बर्तन वर्तन बाजे थे इधर उधर से, बच्चे उठाए, बच्चे उठाए। मैं यहाँ गेट तक आई हूँ अपने आदमी के पास, तो इतने में ही मुझे होश नहीं रहा, बेहोश हो गए, बेहोश हो गया, बेहोश हो चुकी मैं। फिर उसके बाद में मुझे कुछ पता नहीं रहा कहाँ डाल दी, कहाँ सुआ। वो घटना कहीं की? अभी यहाँ जो पीछे जो घर है यहीं की घटना है? हाँ यहीं की घटना है, यहीं की घटना। ठीक है, फिर लिटा दी मैं इन्होंने। जब मुझे कुछ देर होश होया, मैं बोली मैं इनकी देख मुझे ऐसा लग रही है अक मेरे हाथ पैरन के कोई नसन ने खींच रहा है। तो 4 आदमी आए और वे कह रहे हैं अक हाँ चलो आप चलो हमारे साथ। हम कह रहे चल रहे हैं, तो वो तरह तरह के हथियार दिखाते हैं। किसी के सिर पर सींग है, किसी के दांत बड़े हैं, किसी का रंग काला है, अजीब अजीब से, अजीब अजीब से वे लोग हैं। मैंने कि मारने की जरूरत नहीं, जब मैं चली रही हूँ तो वो कहने मारने की क्या जरूरत है, ये हथियार क्यों दिखाते हो। तो 4 आदमी मेरे हाथ पैरों से लिपट रहे हैं, तो वो फेंक दिए मैंने। उन्होंने मुझे ऐसे भूरा रेत होता है ऐसे कपड़े दिए, वो कपड़े देने पे मैंने उठा कर यहाँ किवाड़ के पीछे पहन लिए और अपने चल दी उनों के साथ। चल दी तो वहाँ रथ खड़ा था, वो रथ में बैठा दी। रथ कहाँ खड़ा था? यहाँ खड़ा था हमारे घेर में, यहीं। अच्छा, यहीं दिख रहा था? हाँ यहीं दिख रहा मेरे को। तो उसमें एक आदमी और बैठे थे और 4 आदमी वो मेरे लेने के आए थे वे थे, और छठी में थी और कोई नहीं था। एक इतनी सी है कोई चीज है, उससे उजाला हो रहा है उसमें, बस रथ में, रथ में। बाकी अंधेरा है वहाँ में, तो दिख रहा है रथ में तो, पर बाकी और कहीं ना दिख है। ठीक है, तो ऊपर ले जाकर मैं छोड़ दी, रथ में तो उतार दी। रथ में कहाँ बैठाया आपको, कहाँ उतारा फिर, जैसे कितनी दूर ले? बहुत दूर लेके गए, तो उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुँच गए। जब वहाँ गए हैं तो ये हरा हरा सा फर्श लाल सा रहे ऐसा बिछड़ा है, और पौधे लग रहे हैं, धूप बत्ती जुड़ रही है, और उनके साथ ऐसे ऐसे शालिग्राम से में तो धूप बत्ती चल रही है, तो महक उठ रही है खूब बढ़िया, और सब डोल रहे हैं।
वहाँ जाके एक चौखट सी है बहुत बड़ी सी, उसके सारे एक बगल के एक आदमी खड़ा हो गया, एक बगल के मुझे खड़ा कर दिया। अब बोले हाँ ले आए हम, उन्होंने अपनी भाषा में कही हम ले आए। हिंदी नहीं बोल रहे थे इसका मतलब है? आप हम जो बातें कर रहे हैं ऐसे बातें नहीं कर रहे थे? नहीं, अलग तरह की भाषा, उन्होंने अलग तरह की भाषा बोली। अच्छा, तो वो हमारे समझ में नहीं आई। हाँ। तो हम बोले के जल्दी करो। हाँ। उसने किताब उठाई इतनी मोटी। हाँ। उठा कर के किताब और पन्ना पलटा। हाँ। तो पर्ची निकले उनमें। अच्छा, पर्ची में नाम विमला। हाँ। पर्ची में नाम विमला, तो वो दूसरी विमला थी। अच्छा, वहाँ वो काफ़ी बूढ़ी थी। हाँ। और वो थी, वो बोली मेरे से बोला के ऐसे करो तुम इसे जल्दी ले जाओ और इसकी हवेली ख़राब हो जाएगी और जल्दी जाओ। हवेली मतलब जी? मतलब हवेली ये हमारी हवेली खत्म हो जाएगा। हाँ, शरीर खत्म, इसको संस्कार ना कर दे कोई। हाँ, संस्कार ना कर दे कोई। यहाँ हमारे बच्चे के ज़्यादा पब्लिक आ चुकी तो बच्चे घबरा गए, मेरी ले जा कर बोलिए अस्पताल में डाल दी। अस्पताल में डाले थे, वहाँ पब्लिक वहाँ भी पहुँच गई। फिर यही करते करते मेरे को वहाँ से ले आए, ले आके रास्ता में मैंने जो दान कराया था उसे दिखा रहे हैं। अच्छा, जो एक साल जो बताए थे, एक साल में जो आपने दान पुण्य किया था, बाद में दिखा रहे? हाँ, वो दिखा रहे थे मेरे को। अच्छा, वो दिखा रहे थे। तो हम संक्रांति देखते चले आए और जगह जगह ढेर लग रहे हैं जन क्या है, क्या है चीज के। तो एक सत्यानाशी का बीज है, उसको मैं ले लेके देखती हूँ। जब मैं बोली भाई यो के चीज है या तो बता दे। अच्छा, वो मतलब आपके साथ थे? वो साथ थे। जो चार थे या एक दो थे जी? एक ही था। एक था वो? एक ही था जब आया। जब अच्छा गए, जब लेके गए जब चार थे और जब मुझे छोड़ने आए जब एक था। तब बोले देखो ये सत्यानाशी का बीज है, जो भगवान ने कहता ना तेरा सत्यानाश जाएगा तो उसे याद देते हैं हम। तो शुरू से ही सत्यानाश जाता है उसका, कुछ नहीं चलता, वंश बेल नहीं चलती। मैंने कहा अच्छा। हम फिर चले आए वहाँ से, चल दिए चल दिए। बोले कि जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसे करते रहे हमारे पीछे, देखते रहे करते रहे। आके एक चौड़ा सा मैदान सा है, उसमें ऐसे बड़े बड़े ताले लग रहे हैं, सेठ साहब का दान करते हैं वो तो उनके धरे हैं वहाँ। तो ऐसे ताले हैं जैसे ऊंटन के वो लगे करे, पैरन में ना लगा में। अच्छा अच्छा, कुंडी से डालते हैं वो? हाँ, इतना लंबा लंबा और एक युवा कन्यो। अच्छा, ऐसे ताले हैं वे और ऐसे ताले लगा रखे हैं, उनकी चाबी नो का है वो सही देंगे जिसका ये दान है। अच्छा, और किसी को नहीं दे। तो ये बड़े बड़े सेठ साहब कालन के हैं ये, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे, इनके तो चोड़ेन में पड़े हैं। तो जिन्हें मकान बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाई है, नुको उसके लिए हैं ये। अच्छा, ऐसे बताता हुआ। धर्म करते हैं, सेवा करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं, धर्म करते हैं, जो किसी का दान करते हैं बड़े बड़े, तो उसके लिए है ये। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो, तो फिर हमारे तो चौड़े में पड़े। मैंने कि चौड़े में आपने कोई मकान तो बनवाया ही नहीं, मकान बनवाते उसमें रखते। अच्छा, अब वहाँ से चल दें तो एक बादल सा है, उसमें नो कह रहे हैं इसमें बढ़ जा। अच्छा, वो बोल रहे हैं आपको? हाँ, वो बोल रहे हैं इसमें बढ़। मैंने कि इसमें तो मैं ना आऊँ, मैं तो घनी बड़ी हूँ और ये तो छोटा सा मुकला है। मैंने पहले आप बढ़ो। अच्छा, आपने उनको ही बोल रहे थे? हाँ, मैंने कि आप बढ़ो पहले। जो कहता है अच्छा ले मैं बढ़ाऊँ, तो यहाँ तक बढ़िया है। अच्छा, और वो अच्छा बड़ा हो गया। मैं ये तो बड़ा है, मैंने सोची अगला बड़ा है तू ये पीछे आ जाएंगे, मैं पहले चलूँ। अब वो मेरे को धक्का मारता है, मेरे कपड़े खींच लेते हैं। एक छतरी सी आती है, छतरी सी में मेरे को बैठा दे, लुटा दे उसमें, लुटा दे और आप भी बैठ जाता है। और वो घूमती हुई चली आती है। तो ऐसा नहीं लगती है कि ये हमें किस कई चीज में बैठे, कोई दलक लगती है नहीं, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। और उड़ते ही चले आते हैं, ना कोई दिल घबराता ना कुछ होता उसमें। हम आगे नीचे यहाँ आए अपने घर पे, तो यहाँ हमारी बॉडी नहीं पाई है, ये शरीर नहीं पाया यहाँ पे। हाँ, ये शरीर ना पाया
तो ये अस्पताल में पड़ा था ना, हाँ। तो फिर वे यहाँ से वे खुद ही आप ही लेके गए वहाँ। अच्छा। फिर उड़ते उड़ते हाँ। वहाँ लेके गए, जब उसने वहाँ अस्पताल में पाके बेड के सहारे लिट न्यो धर के और वो न्यो कर दी, वो मैं उसकी इसमें अपनी जान यम पड़गी, मेरी पड़गी तो मैं बोली के एकदम बेड पे तुछरी, तो सब कहने लगे सांस आ गया, जिंदी होगी जिंदी होगी। तो वो ग्लूकोस निकाल दिए मेरे और ऑक्सीजन लग गई, वो फेंक दी और न्यो कहते ठीक है अब। फिर उसके बाद में ये सारे कहने लगे अब भाई अब जिंदी होगी, चलो ले चलो ले चलो। फिर जब यहाँ आए फिर भी बहुत काफ़ी पब्लिक आ गई यहाँ पे, उन्होंने कही कि जिंदी होगी तो ये बढ़िया, बच्चे रो रहे हैं बुरी तरह हाय मच रही है, तो सब शांत रहेगा फिर। अब शांत है सर, अब शांत है सर। अच्छा जी, आपसे हम बातचीत करें, आप भी इनके पड़ोसी हो, तब इनके साथ ये घटना हुई थी, तो आपको कुछ पता है उस टाइम का क्या कुछ हुआ था, कुछ याद हो? हाँ जी, मैं सुबह आई थी इनके घर पे, इनके घर पे हाँ। तो ये खाना आना बना रही थी हाँ। मैंने आके बोला कि बीबी क्या कर रही है हाँ। जगह मैं खाना आना बना रही हूँ हाँ। मैं ठीक है, मैं खेत पे जा रही हूँ हाँ। तो मैं शाम को आई हूँ हाँ। तो बोले बिमला मर चुकी है, वैसे वैसे इतनी पता मुझे तो, और मुझे नहीं पता। मतलब ये घटना सत्य है, सच्चाई है? हाँ सच्ची घटना है ये। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद जैसे आपसे बातचीत करें ताई जी हम, तो जो मृत्यु के नज़दीक का जो एहसास होता है, भाई इंसान मरता है तब कैसा महसूस करता है, उसका शरीर कैसा महसूस करता है, उसकी आत्मा कैसा महसूस करती है, वो अगर आपसे जानना चाहें तो वो बता पाओगे प्लीज़? आत्मा शरीर की तो ये बात है कि जो साल भर पहले ही कह दी थी उसने, तो एक चाव सा भर गया तक हम भगवान के घर जा रहे हैं। भय नहीं था आपको? नहीं, कोई भय नहीं लगा, डर नहीं लगा, तो इसलिए ना तो भय की बात ही ना कुछ ही, अपने आराम से बात करते रहे, चलती रही गाड़ी, साल भर हो गया अपने चले गए। नहीं, तब आपका जैसे प्राण आपके निकले, प्राण तब निकले, आपको तो उस टाइम कैसा महसूस हुआ शरीर? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे शरीर में से कुछ खींच रहा है और सन्नाटा सा होता है। सन्नाटा सा होता है? हाँ, सन्नाटा होता आया। अच्छा, ऊपर जब आप गए किसी भगवान के भी दर्शन आपको हुए? जो यहाँ आया था वही आगे मिला, जो डाडी वाले थे वो। हाँ, उनका हुलिया कैसा था अगर आपसे जानना चाहें, जैसे कपड़े कैसे पहन रखे थे, पहनावा कैसा था वहाँ उनका? बस तहमंद सा लगा रखा था और सफ़ेद पहन रखा था। सफ़ेद? हाँ, तहमंद लगा रखा था, हाथ में माला लग रही थी, एक हाथ में बैत थी। हाँ, बैत चढ़ाने रखी थी वहाँ, देखी जब, और माला भी रखी, किताबन की पुस्ता धरे, उसे खोल खोल कर पर्ची दिखा रहे हैं, नाम ले रहे। अच्छा, उसके बाद भी कोई, जैसे आप बता रहे हो भाई आपका बिमला नाम है, तो और कोई बिमला उस टाइम पे एक्सपायर हुई थी, मृत्यु हुई थी उनकी बाद में कोई? हाँ जी, हुई थी एक दूसरे मोहल्ले में हुई थी। अच्छा। हमारे पास नहीं थी, वो दूर थी, दूसरे मोहल्ले में। हाँ, दूसरे मोहल्ले में थी। तो आप जब उस लोक में जब आप गए, जब आप बता रहे हो कि मैं ऊपर जब चली गई थी, तो और कोई आसपास का जैसे किसी के आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई आपके जानकार हैं, रिश्ते में हैं, वो कुछ दिखे आपको, कोई आत्मा उनकी दिखी? देखो, जनता बहुत थी वहाँ पे, अपना पराया कोई नहीं पहचानता, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, गऊ भी थी, गंगा जी भी थी, लेकिन हमें अपना पराया कोई नहीं पहचाना, सब ये कहते आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो, कहते अभी नहीं आए के, अब दोबारा आएगी जब खाएगी, अभी नहीं। अच्छा, ये बोल रहे आते टाइम की बात है? ऐसे हाँ, आते टाइम की बात है ये, आते टाइम की। हाँ, मैं पहले भी बहुत खाना खवाती थी सबको, चाहे रात ही चाहे दिन ही, कोई आ मांग गया तो मैं खाना जरूर बनाती थी उनके लिए, तो वे जने जने भी नहीं कहे एक आ जा खा ले। एक बुढ़िया थी रोती रोती बैठी और रो रही कि मुझे उदो, एक महीना हो गया मुझे रोटी नहीं खाई, तो हाँ वो न्यो कह रहा है तेने रोटी नहीं खाई, तेने दिया है जो मैं तुझे दूँ, यहाँ बता, सारी जिंदगी में एक लोटा पानी और एक परात लड्डू किसी की शादी में थे दान करे, तेने खा ले ये धरे, नो कि ये ना खा मुझे रोटी चाहिए, मैं तो उसे रोती छोड़ी आई, रोती छोड़े। हाँ, फिर आ गया, रोती छोड़ी आई मैं।
अच्छा, बाहर कोई विदेश के लोग भी आपने देखे, जैसे दूसरे देश के लोग होते हैं हमसे अलग है? कोई नहीं, वहाँ तो एक से ही है ऐसे ही सब, कोई अपनो ना परायो ना काई को ना दुनिया डोले ऐसे ही, जैसे यहाँ मेले में हो जाए इकट्ठे जब कोई अपना ना दिखे ऐसे ही वहाँ ऐसे ही वहाँ। हाँ, तो उसके जब ये घटना आपके साथ, उसके बाद जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ आपके? मुझे तो घने दिन में तो गुस्सा आया था, ऐसा हो गया था जैसे अब दोबारा जन्म लिया है, पता ही नहीं है। बालक बुद्धि सी में आके मुझे देखने भी आते थे तो उनसे बात नहीं करती थी मैं, क्योंकि ऐसा लगा ये हमारे नहीं है, ये हमारे ज़्यादा लगा हो गया था। हाँ, ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, मुझे ऐसा लगती थी। तो ये कह तो बालक ने एक पिल्ला दे दिया, उससे खेलती रही, बोलते रहे तो बता कुछ बता, मैं उनसे बोले नहीं ये है ही ना हमारे, ऐसा लगा आप सो है गो ऊपर ये वहीं है वहीं चलना हो वहीं। अब भी मैं आँख मीचती हूँ न्यो तो वही सीन दिखता मुझे, वही सीन दिखता है। हाँ, वही सीन दिखता है, वही लोग दिखता है, वही बाबा दिखता है, वही बात करते हैं, याद आता रहता है उसी। हाँ, उसी को वह याद रहता है। जी जी जी। तो फिलहाल जो है ताई जी हमारे साथी बिमला इनका नाम था, और बता रहे हैं कि मर के दोबारा जिंदा हो गई थी, एक सच्ची घटना जो सच। अच्छा, लोग जो है जी इन बातों को नहीं मानते, लोग नहीं मानते न्यो, अब जब उसको न्यो कहते हैं ना कह देखो ऐसा दान करो तुम्हें आ गए ऐसा ही मिलेगा, तो हम समझाते हैं जैसे देख के आए, तो लोगों ने न्यो लगाए कि ये तो अपने मार करती हैं, ये ऐसे नहीं है, हम नहीं जाते, हम नहीं करते ये काम, और करते हैं लोग, पर बहुत से समझदारी से ना चुप चुप कर लेते हैं, कहने से नहीं करते, अपनी मर्जी से करते हैं। मर्जी से करते। तो फिलहाल जो है हमारे साथ दादी थी, ताई जी थी, इनसे हमने बातचीत की, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर करें, और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा छत्तीस लाइव, पलवल हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। राम राम जी। राम 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 जी।